कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। आम आदमी पार्टी द्वारा देश भर में मिल रहे व्यापक जनसंपर्क को देखते हुए मध्य प्रदेश में भी सक्रियता बढ़ाने और घर घर पहुँच कर आम आदमी पार्टी की योजनाओं की जानकारी देने एवं दिल्ली में पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्यों को बताने के लिए अब प्रदेश भर के साथ ग्वालियर में भी बाढ़ चलो पोल खोलो अभियान शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए ग्वालियर प्रेस क्लब में पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष मनीषा तोमर और प्रदेश प्रवक्ता अमित शर्मा ने बताया है कि 6 मार्च से प्रदेश के सभी वार्डों में बाढ़ चलो पोल खोलो अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता डोर टू डोर लोगों से संपर्क करेंगे और आम आदमी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा समर्थन देने की अपील भी करेंगे। इसके साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों ने दावा किया है कि आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के विकल्प के रूप में सामने आएगी। पार्टी इस पूरे संभाग में, इस संभाग में 8 जिले हैं जिसमें आम आदमी पार्टी संभाग लेवल पे वोट चलो अभियान पोल खोल अभियान शुरू कर रही है। इसमें हमारे जो मोटिव है हमारा सिर्फ ये नहीं है कि हम सदस्य बना रहे हैं आम आदमी पार्टी को घर घर पहुंचा रहे हैं। इस पोल खोल का जो महत्व है वो ये है कि हम जिस मोहल्ले में जाएंगे और लोगों की जो समस्याएं निकल के आएंगी, जो लोगों को उस वार्ड में समस्या है, उस पार्षद से समस्या है, निगम से जो समस्या है, उस समस्या को लेकर हम वहाँ जोनल ऑफिस में जाएंगे और लगातार हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर हफ्ते हम एक मोहल्ले की समस्या को लेकर नगर निगम पर धरना दें और उनकी समस्याओं का निराकरण करें। और अभी जैसा देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली MCD में भी बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़ रही है और वहाँ पर पूरा पूरी कोशिश है कि इस बार दिल्ली सरकार के जैसे वहाँ पर MCD में भी आम आदमी पार्टी का ही वर्चस्व रहेगा। तो उसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में भी पूरी तरीके से अपना निगम चुनाव में उतर रही है और उसको लेकर हम लोगों ने एक महीने का अभियान शुरू किया है जो 6 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक जारी रहेगा। पूरे संभाग में जितने वार्डों में प्रत्याशी उतारे हैं सभी वार्डों में उतारे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में उतार रहे हैं और यहाँ पर दो विधानसभा अपने पास निगम है, जैसे मुरैना और अपने पास ग्वालियर, तो दोनों ही निगम लड़ेंगे और नगर परिषद भी हम चुनाव करेंगे।